सो मैंने बटन दबा दिया है लोअर ग्राउंड का और ये देख सकते हो कहाँ जा रहा हूँ मैं। सो सुबह सुबह आपको ये दिखा दिया, सो सॉरी फॉर दैट। आज है फ्राइडे, होपफुली कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्राइडे को ना ये लोग 30 मिनट्स या वन है ना 1 आवर बिफोर फिनिश कर देते हैं वो। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है फ्राइडे, फ्राइडे को ना बहुत ही मतलब कम स्टाफ लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं, ज़्यादातर तो छुट्टी पे ही रहते हैं। एक जो है मेरा मतलब कलीग, वो मंडे टू थर्सडे वर्क करती है, वो भी 2 दिन ऑफिस करती है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करती है, और फ्राइडे को टोटली ऑफ रहती है। मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ वीक में, 3 दिन क्या 2 दिन तो सबका ही होता है, 1 दिन ऑफ है ना। इस तरीके से भी यहाँ पे वर्क करता है, बट वो वर्क करती है बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन से उनके साथ, दैट्स व्हाई मे बी शी गेट्स दिस प्रीटी गुड चांस। मेरे को तो अभी ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा तो अभी ल्यूटन का 3 मिनट में बस दिखा रहा है, ल्यूटन स्टेशन वाला लेडी बस ड्राइवर है भाई इसकी। कल देख रहे थे कभी खुशी और कभी गम मूवी, तो आपको याद होगा कि हम लोग मतलब 90 से जो 2000 बीच में बॉर्न हुए हैं, तो वो 90s के किड्स कहलाते हैं। तो लास्ट टाइम पता नहीं कब देखे थे ना कभी खुशी कभी गम, उसके बाद जब लास्ट मतलब कल देख रहे थे, और एक चीज़ नोटिस की कि जितनी भी मूवीज लोकेशन मतलब सॉन्ग्स लोकेशन या कॉलेज लोकेशन जो है और या शूटिंग लोकेशन जो है बस उस मूवी का, मोस्टली लंदन के ही जगह है। तो कल देख के मतलब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम पे ऐसा ड्रीम करते थे कि भाई लंदन जाएंगे कभी, ये देखेंगे वो देखेंगे, और आज वो सारी चीज़ें रियलिटी में देख के, जैसे टावर ब्रिज का सीन आया था तब देख के मतलब कुछ लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ें, या तो कुछ अच्छा किया था या जो भी किया था मतलब अचीव हो गई, कुछ चीज़ें अचीव हो गई, सारी तो ऑब्वियसली अभी अचीव नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें और कुछ प्लेसेस देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ जो कभी ड्रीम था कभी सोचा नहीं था, और आज वो सारी प्लेसेस भी हम लोग देख पा रहे हैं ये सब यहाँ पे आके। मैं अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि कल जैसे मैंने बताया था कभी खुशी कभी हम मूवी देख रहे थे, और भाई बहुत सारी लोकेशन का पता लगा कि कैसे कैसे था, तो ब्रेकफास्ट यहाँ से लेता हूँ। और जब मैं फर्स्ट आया था ना टेस्ट के लिए, यहाँ पे मेरा एक टेस्ट हुआ था, मतलब यहाँ पे आके दे रहा पड़ा था, वो भी सीक्वल पे भेजता था, उन्होंने कोडिंग का टेस्ट लिया था काफ़ी सारा। तो जो मेरे कलीग है ना, मुझे उनका फेस याद नहीं है कि कौन 2 बंदे थे जिनने मेरा टेस्ट लिया था, और फिर मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ ये दोनों बंदे थे वो। लो तो आप देख लो ठीक से, बीन्स मशरूम टमाटोज हैश ब्राउन और ये बहुत सारा चीज़ होगा ऑब्वियसली, वो बेकन, ये सब ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 देखते हैं कितने का पड़ेगा, 2.5 ये 2 पाउंड कुछ पड़ता है। सो ब्रेकफास्ट पड़ा मेरे को 320 पाउंड का, तो 3 पाउंड 20p ठीक है, 2 टमाटो 2 मशरूम बीन्स और मशरूम भी हैश ब्राउन लिया है इसलिए। नेक्स्ट वीक मेरे को दिया इन्विजिलेशन का काम, मतलब 2 स्टूडेंट होंगे और उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। वैसे लास्ट टाइम मैंने इन्विजिलेशन किया था तो 40 स्टूडेंट्स आए थे क्लास में भाई, मतलब री अटैम्प्ट था या री था, मतलब उनका क्या बोलते उसको एग्ज़ाम दोबारा से कंसिडर किया था उन्होंने, क्या बोलते यार रीसबमिट था उनका। मतलब फ्राइडे को इतना रश नहीं रहता है स्टूडेंट्स का, देखो कम ही लोग आए हुए। तो अभी हो गया लंच टाइम, मैं देखो वही आलू की सब्जी चिकन राइस 2 दिन हाँ वही खाते हैं, क्योंकि मैं लंच लेके आया था, ब्रेकफास्ट नहीं करके आया था, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट यहाँ से बाय किया था। ऑफिस हो गया ख़त्म, फ्राइडे को मोस्टली लोग 30 मिनट्स बिफोर ख़त्म कर देते हैं, जो भी 8 to 4 करते हैं वो 3:30 पे, लोग कुछ लोग 30 पे भी 3 PM पे भी ख़त्म कर देते हैं, अदरवाइज 3:30 पे। तो आज है ग्रोसरी डे, ग्रोसरी लेके आऊँगा कुछ, तो आपको सेंसबरी के प्राइसेस भी दिखाऊंगा, और सेंसबरी की फुल प्राइसेस वगैरह देखने के लिए भाई वीडियो चेक कर लेना, मैंने ऑलरेडी डाल रखी है ठीक है। तो क्या आपने कभी 0 पाउंड का टिकट देखा है क्या? ये देखो भाई 0 पाउंड का टिकट ठीक है। तो ऐसा है कि जिस स्टेशन पे मैं है, मतलब यहाँ से इस वाले स्टेशन से सेंट्रल रेलवे स्टेशन से और शॉपिंग सेंटर तक, मिल्टन सेंट्रल मिल्टन किन्स का शॉपिंग सेंटर जो है वहाँ तक का फ्री टिकट है, और स्टॉप्स भी वहाँ पे मेंशन हो रखा है कि कौन कौन से स्टॉप से फ्री बसेज है। तो वहाँ से अगर आप बस कोई सी भी बस बोर्ड करते हो तो आपको फ्री टिकट मिलेगा, जैसे कि ये मिला है 0 पाउंड का। सो सोचा थोड़ा बहुत ग्रोसरी वगैरह लेके आया जाए, तो मैं अभी जा रहा हूँ सेंसबरी, सेंसबरी का आप वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने एक कंपैरिजन बनाया था। वैसे सेंसबरी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ओल्टी आस्था और एक और कौन सा होता है ओल्टी आस्था लीडल, हाँ लीडल वगैरह से थोड़ा सा महंगा है, और लेकिन इसमें यह है कि सेंसबरी में प्रोडक्ट अच्छे मिल जाते हैं और आपको जो है क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, और प्रोडक्ट जो है हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मोस्टली टाइम अवेलेबल रहते हैं, और सेंसबरी के भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोर है, अच्छी अच्छी जगह है,
तो जो भी आपको आसपास ग्रोसरी स्टोर मिले भाई शॉपिंग कर लो, और क्या ही कर सकते हो। ये देख रहा मेरे सामने बिल्कुल ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है भाई, इतना बड़ा कार पार्किंग एरिया बना रखा है। और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट शॉपिंग के लिए है, प्लस में बहुत सारे होटल्स यहाँ पे हैं भाई। ये अच्छी चीज़ है मिल्टन किन्स की कि आपको ना बहुत सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो अभी कभी आप अगर घूमने या कुछ ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हो या एक दो दिन का स्टे के लिए। ये देखो मेरे सामने नैंडोज़ है, ये देख सकते हो मेरे सामने सेंसबरी, काफ़ी बड़ा सेंसबरी है भाई। ये बहुत सारी मतलब ये भी टेस्को जैसा ही हो गया, इन्होंने भी अपना मतलब अपना एक कोलैबोरेट करके किसी क्लोथिंग ब्रांड के साथ, ये देखो क्लोथिंग ब्रांड के साथ अपना कोलैब करके, या फिर पता नहीं ऑन करते हैं या ब्रांडिंग है या मर्चेंडाइज है, पता नहीं क्या चीज़ है। बट हाँ यहाँ पे जो ग्रोसरी बाय करने का सिस्टम है भाई वो ऐसा ही है, सब कोई ऐसे ही ग्रोसरी शॉपिंग करता है खुद से ही, मतलब सब कुछ प्रोडक्ट उठाओ स्कैन करो और फिर बास्केट में डाल के चेकआउट करके ले जाओ। मैं एक ग्रोसरी पे वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि सेंसबरी के अगर प्राइसेस वगैरह आपको चेकआउट करने हैं या कंपेयर करने हैं दूसरे ओल्डी या आजदा टेस्को का मैंने वीडियो बना रखा है, उससे कंपेयर करना है तो आप जाके वीडियो देख लेना, सेंसबरी की वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा। बाकी मैं शॉपिंग वगैरह करता हूँ, जो जो मैं शॉपिंग करूँगा उसका प्राइस ज़रूर बता दूंगा, लेकिन बाकी सबका डिटेल वीडियो नहीं बनाता वहाँ, ठीक है। जैसे कि मैंने सेंसवरी वाली वीडियो में बताया होगा आपको कि ओल्डी प्राइस मैं यहाँ पे लिखा ना, तो वो बहुत अच्छे खासे और नॉर्मल प्राइस पे मिल जाएगा जो ओल्डी वाली प्राइस, क्योंकि ओल्डी सस्ता है काफ़ी ज़्यादा, ओल्डी टेस्को आजगा ये सब ज़्यादा सस्ते हैं, सेंसवरी महंगा है। तो ये देखो 30p 35p एक एप्पल जो है, इस तरीके के प्राइस भी है, प्लस 99p में 6 एप्पल्स भी हैं, तो क्वालिटी बहुत, यहाँ की ये अच्छी बात है कि आपको ना क्वालिटी वेराइटी बहुत अलग तरीके की मिल जाएगी। बाकी वो ऐप बनाना वगैरह भी है जो आपको लेना हो ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सारे प्रोडक्ट जो है पैक्ड मिलते हैं, आपको लूज में भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। देखो दिखाता हूँ, गार्लिक भी लूज में है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं यार, जिंजर भी लूज में है, तो मशरूम भी इवन दो लूज में मिलता है, मशरूम भी लूज में मिलता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है लूज में मिलते हैं। इस तरीके से आपको इसमें रख के वेट करना होता है, मतलब वे करना होता है। और देखो 3.8 है, 0.3 पर, तो इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट हो गया ये लेबर, और वो जो है मुझे जिंजर पे स्टिक करके और चेकआउट के टाइम पर ये बारकोड स्कैन करना है। और जो प्राइस देख लो कितना पड़ा है मेरे को, 2 pound का पड़ा है, 2 pound का 0.380। ओ भाई कितना महंगा यार चिंजर, यहाँ पे 5.5 pound का है पर किलो केजी। ओ भाई यार 2 pound का इतना महंगा नहीं हो गया ये 0.380 का, पता नहीं लेट्स सी कि कितना प्राइस आता है इसका। वैसे तो मुझे मालूम है कि अभी जो है ना इंडिया में भी इस तरीके के सुपरमार्केट्स वगैरह बनने लगे हैं, जहाँ पे वन रूफ के अंडर में सब कुछ आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे तो पहले से ही इस तरीके का ही कल्चर है, लाइक ओपन मार्केट भी मैंने दिखाई थी एक, कभी अगर उस साइड जाऊँगा मैं तब आपको ओपन मार्केट भी दिखाऊँगा, जहाँ पे भाई पूरा इंडिया की तरह शॉपिंग करने को मिलता है एक्सपीरियंस। मुझे उस तरीके का शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है भाई सच में। और भाई वो जो मार्केट है ना उसमें इंडियन प्रोडक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक जो नॉर्मल आपको सुपरमार्केट्स में नहीं मिलेंगे ना, वो आपको उस जगह पे सब्जी ऐसी ऐसी मिल जाएगी जो आपने इंडिया में खाते थे ना, सेम लगेगा ही नहीं आपको कि आप यूके में हो सच में। मुझे चिकन की प्रोडक्ट में ये अच्छा लगता है कि बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाएगा, अगर विंग्स लेना है, लेग्स लेना है, थाई लेना है या फिर फुल चिकन लेना है, इस तरीके से मस्त है यार। मतलब फुल चिकन भी काफ़ी ओल्डी प्राइस में मिल रहा है। एक सेक्शन दिखाता हूँ आपको सेंसरी में, ये देखो लिंडर का है पिक एंड मिक्स, कोई भी चॉकलेट आप किस तरीके से खरीद सकते हो। ये है प्राइस इसका 7.2 का 14 pack का, ये है 12 pound का 28, ये बॉक्सेज है, इसमें आप मिक्स करके कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हो भाई। लिंडर का काफ़ी मस्त चॉकलेट है, ये इन्होंने प्रॉपर लगा रखा है, और फ्री में भी खा सकते हो आप एक दो, मजाक कर रहा हूँ यार, खा सकते हो वैसे, बस कोई देखना नहीं है, सच में फ्री में खा सकते हो, बट यही है कि कोई देख ना ले, चलो एक खा के देखते हैं। ये देखो भाई मैं हनी सेक्शन पे आया था, ये देखो पूरा का पूरा इन्होंने मधुमक्खी का जो हनी भी होता है, हनी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, छत्ता बोलते हैं हिंदी में, तो भाई इंग्लिश में नहीं पता माफ़ करना, पूरा का पूरा छत्ता जो है जार में पैक कर दिया इन्होंने। ये देखो भाई नॉर्मल हनी के प्राइसेस ये हैं, बट आपको एक स्ट्रेंज चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो 100 gram का 250 gram का 14 pound का रोज़े बानू का 250 plus gram का 14 pound का, ये देखो भाई 500 plus gram का इतना सा पैकेट 20 pound का, ऑलमोस्ट 2000 rupees का भाई साहब। तो मैंने ग्रोसरी शॉपिंग ऑलमोस्ट कर ली है, 2 eggs लिया है, फुल चिकन, ये है स्टैनफोर्ड का मिक्स वेज, यहाँ पे मिक्स वेज इस तरीके से फ्रोजन वाला भी आता है, जिंजर गार्लिक और स्ट्रॉबेरी प्लस वगैरह सब ले लिया है। तो कंबलिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कितना प्राइस बना है, कितना वीकली बोल सकते हो या मंथली कमी ऑब्वियसली होगा ही, तो हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट चल ही जाएगा, बाकी सामान ऑलरेडी मैंने बाय किया हुआ है, तो चलो इसका प्राइस वगैरह बिलिंग करा के बताता हूँ आपको।
से अभी प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे स्कैन करके इस वाले टेबल पर रखना पड़ेगा, बाकी बिलिंग करना पड़ेगा। ऑनलाइन पे कर सकते हो, कैश भी पे कर सकते हो, बाकी कैश जो हर किसी मशीन में नहीं होता है। ये देखो मेरा फोटो भी आ रहा है इसमें, तो बिल बना मेरा 35 pounds का। यहाँ पे आप देख रहे हो कार्ड से पे कर सकते हो या फिर नेक्टर का गिफ्ट कार्ड कूपन किसी भी तरीके से पे कर सकते हो, एप्पल पे, गूगल पे, वीज़ा कार्ड सब तरीके का, ये अमेरिकन एक्सप्रेस किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। तो मैं पे करके आपको, चलो बाद में मिलते हैं फिर। सो नेक्टर का इनका कार्ड है 2.5 पे, मेरे को 500 पॉइंट्स पे 2.5 का वाउचर मिलता है, तो मैं इसको रिडीम कर लेता हूँ। ठीक है, तो पे 2.5 कम हो गया है, बिल प्रिंट हो गई है, इसको रिसिप्ट को प्रिंट कर ले जाता है। ओके थैंक यू, रिसिप्ट रिसिप्ट रिसिप्ट, ओ भाई रिसिप्ट अटक गया। ठीक है, 32 वाउ नेक्टर का रिडीमशन हुआ 2.5 का, बाकी चेंज वगैरह कुछ मिला नहीं है क्योंकि कार्ड से पे किया है। 32.51 pounds का हुआ है बिल। चलो मिलते हैं बाद में। सो ग्रोसरी शॉपिंग कर लिए, अभी बच रहे ऑलमोस्ट 5 और। देखो भाई वेदर कैसा हो रहा है, अबे ये तो रेड में भी क्रॉस करके चली गई यार। मैं वेट कर लेता हूँ क्योंकि आगे से वो आ रही है। ओह इसी गिविंग मी लाइट, ओके मुझे लाइट दे दिया है उसने जाने के लिए। वैसे भी यहाँ पे ग्रीन हो गया था मेरे जाने के लिए, क्या था जाने के लिए। ये जो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई, इस ये बिल्डिंग देखो देखने में नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन देख के समझने की कोशिश करो भाई। लेंटर वगैरह जो डलता है ना, बीम वगैरह जो बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्लास और पता नहीं किसके बेस पे बना रखी है। लाइक ये जो साइड में इसमें बीम वगैरह लग रहा है, लेकिन ये जो बीच में इन्होंने अलग से सेक्शन बना रखा ना, उसमें ऐसी एक सेंटर हाउस के उधर भी बिल्डिंग है भाई, उसमें भी लेंटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा, बीम वगैरह बस ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टील वगैरह से बना रखी है। ये अच्छा है कि जाते वक्त भी कोई पैसा नहीं लिया उसमें, टिकट नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है कि 0 pounds का टिकट मिलता है यहाँ से। 0 pounds मतलब फ्री है यहाँ से, अभी बताया ना मैंने आपको, मिंटर की शॉपिंग सेंटर तक फ्री टिकट है, इस वजह से टिकट नहीं लेते। तो यहाँ पे जो है ना चिकन जो है खुद से ही चॉप करना पड़ता है, अगर आपको पीसेस करना है तो खुद से, देखो बावर्ची खुद से बनना पड़ेगा आपको।